सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल गाइज। तो या आई नो बहुत दिनों के बाद मिल रहे गाइज, बहुत दिनों के बाद। तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल है कि मोंटी आप YouTube पे वीडियो क्यों नहीं डालते, आप YouTube पे एक्टिव क्यों नहीं रहते। तो गाइज नॉट ओनली YouTube पे, मैं Facebook, Insta मैं कहीं पर भी एक्टिव नहीं हो पा रही थी। रीज़न है जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्किन। सो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ मेरी पूरी एक्ने जर्नी गाइस। मैंने ये वाले स्किन से ये वाले स्किन तक जाने के लिए क्या क्या सिचुएशन हैंडल किया, ये सब बताऊंगी। और बताऊंगी मैंने कौन से प्रोडक्ट फॉलो किया, मैंने कौन सा डाइट रूटीन फॉलो किया एंड मैंने कौन सा स्किन रूटीन फॉलो किया। और एक बात गाइस, आप लोग रिलैक्स होकर वीडियो पूरी देख सकते हो क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी भी प्रमोशनल नहीं है। जो जो रिव्यूज़ रहेगी ये वीडियो पे सब ऑनेस्ट एंड जेन्युइन रहेगी। सो डोंट वरी गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, 2020 की सितंबर में मैंने नोटिस किया मेरे फेस पे ना छोटे छोटे टाइनी टाइनी बम्स आ गए। तो ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी मेरे फेस पे टाइनी बम्स आए हैं। तो मैंने उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे के इग्नोर कर दिया। तो मैंने घर आके दो तीन बार मेरे फेस पे आइस रब किया, दो तीन घंटे तक आइस रब किया। तो बेसिकली मैं ये बताऊंगी आप लोगों को कि आइस रब करने से ना बस फेस ठंडा हो जाता है, फिर गर्म हो जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। 2-3 वीक्स बाद मैंने सुबह उठ के नोटिस किया मेरे फेस पे जो छोटे छोटे टाइनी टाइनी बम्स थे वो सारे बम्स ना मतलब बड़े रेड बम्स पे कन्वर्ट हो गए। तो एज यूजुअली उस टाइम पे मैंने सोचा कि इस बार कुछ क्योर करना है गाइस। तो मैंने YouTube खोला एंड YouTube खोल के मैंने रेमेडीज क्रीम्स चेक करना स्टार्ट किया कि कुछ अच्छा मिल जाए जो एक्ने को अच्छे से ट्रीट करे। तो इस बात पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कुछ कुछ यूट्यूबर्स हैं जो लोग व्यूअर्स के लिए कुछ भी बता देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं कि कुछ भी लगा लो, एसिड लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो एज यूजुअली मैंने एक ऐसे यूट्यूबर को भरोसा कर लिया था एंड उसने बोला था कि एक गार्लिक को बीच में से काट के 2 पीस करके फेस पे ऐसे रब करके ओवरनाइट के लिए रख दो। तो मैंने एज यूजुअली सेम 2 पीस किया, फेस पे रब किया एंड ओवरनाइट रख दिया। फिर उसके बाद जब मैं दूसरे दिन उठी नींद से तो आई स्टार्ट स्क्रीमिंग, मैं पैनिक हो गई, मुझे नहीं पता मेरा क्या सिचुएशन था। मैं बहुत गंदी तरीके से मम्मी को बुला रही थी एंड आई स्टार्ट क्राइंग। तो उसके दूसरे दिन मैं भाग के दौड़ के गई एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। तो मेरा एक फ्रेंड का जान पहचान का था तो मैं उनके पास गई एंड उन्होंने मुझे एक डैंड्रफ की शैम्पू प्रिस्क्राइब की। तो मैंने घर आके मम्मी से पूछा, मम्मी डॉक्टर ने मुझे डैंड्रफ की शैम्पू प्रिस्क्राइब की। तो मम्मी ने मेरे सर चेक किया, ऐसे हाथ देखे मतलब देख के चेक किया कि मम्मी ने बोला कि तुम्हारे सर पे तो थोड़ा सा भी डैंड्रफ नहीं है, तो डॉक्टर ने किस लिए सजेस्ट किया तुम्हें। तो शायद उस टाइम पे कोविड सिचुएशन चल रहा था, डॉक्टर बहुत दूर थी मतलब दूर बैठे थे और मैं बहुत दूर बैठी थी, तो इसीलिए शायद डॉक्टर ने मतलब सही मेडिसिन सजेस्ट नहीं कर पाए। तो उसके बाद मैंने होम रेमेडीज़, मम्मी के होम रेमेडीज़ लगाना स्टार्ट किए। मैंने हल्दी लगाना स्टार्ट किया फेस पे, हल्दी खाया भी, फिर नीम लगाना स्टार्ट किया। मैंने नीम लगाती थी ना ऐसे कि मैं नीम के पत्ते को पानी पे उबालती थी, फिर उबालने के बाद जो पानी लिक्विड होता था वो मैं स्प्रे बॉटल में डाल के एज अ मिस्ट एज अ टोनर मैं यूज़ करती थी। ऑफकोर्स मैं ये नहीं कहूँगी कि वो नीम के पत्ते या हल्दी काम नहीं करते, लेकिन मैं मतलब मेरे व्यू से मैं बोलूँगी कि मुझे लगता है कि वो सर्टिल मतलब 1-2 पिंपल्स निकल के आए उस टाइम पे आप होम रेमेडीज ट्राई किया तो उससे शायद आपको हेल्प हो सकता है, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने मेडिकेटेड जेल्स लगाना स्टार्ट किया जो मेडिकल शॉप से मिलता है, एक्ने ट्रीटेड एक्ने के लिए जो जेल्स वगैरह होता है मैं वो ख़रीदना स्टार्ट किया। ऐसे बहुत सारे क्रीम्स हैं जिन क्रीमों से आप भी रिलेट कर पाओगे, लाइक मैंने एक्ने स्टार लगाया, मैंने एडी टॉप लगाया, मैंने एक्ने टोन लगाया, मैंने साफ़ी खाया, मैंने स्क्रीन क्राफ्ट जो इतना मतलब अच्छा ब्रांड है मतलब
इतने एड्स चलते हैं उसके यूट्यूब में. मतलब वो वाला सिचुएशन, मतलब कैसे आपको बोल के एक्सप्लेन करूँ मैं, वो वाला सिचुएशन ना बहुत वर्स्ट था. मतलब जिन जिन लोगों ने ये वाले सिचुएशन टैकल किया है वो लोग जानते हैं कि कैसा जाता है, कितना डिप्रेसिंग जाता है ये. मतलब हम लोग ना हर रात सोते हैं एक नए क्रीम लगा के, एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि, होप लेके सोते हैं कि शायद दूसरे दिन हमारा फेस थोड़ा ठीक हो जाए. वन मोर थिंग इज गाइज, दिस एक्नेज आर वेरी बैड फॉर योर कॉन्फिडेंट. मतलब आपको, आपका जो कॉन्फिडेंट है यहाँ पर जो रहता है, वो कॉन्फिडेंट को एकदम नीचे मिट्टी में मिलाने के लिए ये छोटे छोटे एक्नेज, टाइनी टाइनी बम्स काफ़ी होते हैं. फिर तो मैंने ये डिसाइड किया कि होप नहीं छोड़ना है, बस हो जाएगा सही, एक ना एक दिन तो सब सही हो जाएगा. तो फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया रिसर्च ऑन एक्ने. तो मैंने गूगल किया कि कितने टाइप के एक्नेज होते हैं, कितने टाइप के पिंपल्स, एसेक्ट जो सब सर्च किया. तो मुझे पता चला कि हार्मोन एक्ने नाम का एक एक्ने होता है जो प्यूबर्टी एज में होता है. लाइक प्यूबर्टी एज मतलब 18, 19, 20 ऐसे एज पे होता है, जिस टाइम पे आपके हार्मोन इम्बैलेंस स्टार्ट होता है. तो मेरा 18 चल रहा है एज यूजुअल, तो ये मेरा प्यूबर्टी एज है. तो शायद मुझे, मैंने ये गेस किया था कि शायद मुझे भी हार्मोन एक्नेज हो रहा है. फिर मैंने गूगल और यूट्यूब पे सर्च किया बेस्ट डॉक्टर फॉर हार्मोन एक्ने. तो मुझे एक अच्छा सा डॉक्टर मिला. सो डॉक्टर ने मुझे एक फेस वॉश और एक रात में लगाने वाली जेल और एक खाने वाली पिल प्रिस्क्राइब किया. तो मैं पिल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो पिल डॉक्टर प्रिस्क्राइब था. तो सबके एक्ने सेम भी नहीं होते, मैं ये नहीं चाहूँगी कि कोई गलत पिल खा के अपना तबीयत ख़राब करे या कोई इशू क्रिएट करे. तो पिल्स के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं फेस वॉश और जेल के बारे में बोलूँगी. सो फेस वॉश का नाम है आहा ग्लो, विच वन इज़ माई मोस्ट फेवरेट फेस वॉश एवर गाइज. मतलब दिस इज़ गॉड फेस वॉश फॉर मी, आई लव दिस आहा ग्लो फेस वॉश. और नाइट जेल है बेंजोंग पेरोक्साइड. आप मतलब जो लोग एक्ने कम्युनिटी से है वो लोग जानते हैं कि बेंजोंग पेरोक्साइड कितना ज़्यादा हेल्पफुल है एक्नेस के लिए. तो बेंजोंग पेरोक्साइड का ये पर्सोल 2 है, मुझे पर्सोल 2 का बारे में नहीं पता. तो ये दोनों गॉट फॉर मी, तो ये बहुत जल्द काम किया. मतलब दूसरे मेडिसिन, दूसरे जेल एंड दूसरे स्किन केयर प्रोडक्ट से ये दो प्रोडक्ट बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए गाइस. तो डॉक्टर ने मुझे बोला था ये दवाइज़ 4 से 5 महीने तक तो यूज़ करने के लिए. मैंने 3 महीने तक यूज़ किया था और आपके सामने है रिजल्ट गाइस, आप लोग देख सकते हो. तो गाइस ये एक्ने जर्नी कुछ ज़्यादा अच्छा और एडवेंचरस नहीं था मेरे लिए, बहुत डिप्रेसिंग और कभी कभी बहुत चैलेंजिंग भी था. मुझे याद है मैं जब बाहर जाती थी फ्रेंड्स लोगों के साथ, फ्रेंड लोग तो मतलब कभी कभी बोल ही देते थे कुछ कुछ कि यार कितना गंदा दिखने में हो गया है मोंटी, तू कितना गंदा लग रहा है, तेरा स्किन, बहुत लोगों ने ऐसा बोला है. फिर मैंने तो कैमरा खोलना बंद कर दिया था मेरा मोबाइल का. मतलब मैं वीडियो कॉल रिसीव करना ऑफ कर दिया था. मैं किसी का भी वीडियो कॉल एक्सेप्ट नहीं करती थी, जो भी हो, फ्रेंड हो, मम्मी हो, पापा हो, मैं किसी का, मतलब मैं ना मेरा फेस को ऐसा मतलब नहीं देख पा रही थी, आई डोंट नो व्हाई. तो दिस इज़ इट. मैं यही बोलूँगी कि जो लोग ये सिचुएशन से गुजरे हैं वो लोग जानते हैं ये कैसा सिचुएशन होता है गाइज. तो जज मत करो, नेगेटिव में मत लो. अभी से वीडियोस रेगुलर आएंगी, कॉज आई एम वेल नाउ, मैं एकदम ठीक हूँ अभी, तो मुझे कोई इशू नहीं है. तो अभी से वीडियोस रेगुलर आएंगी, मैं कोशिश करूँगी एक्टिव रहने की यूट्यूब पे, इंस्टा पे, हर जगह. इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगी गाइज. तो या सो गुड बाय फॉर नाउ, बाय, नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग. मैंने क्यों ने का प्रॉमिस किया था, क्यों ने आने वाला है गाइज. तो